हेलो बच्चों, गुड आफ्टरनून। प्रीवियस क्लासेस में हमने पेयर ऑफ फर्स्ट एट लाइन को इंट्रोडक्शन देखा और मैंने डीपीपी का लास्ट क्वेश्चन, मुझे डाउट मिला कि ये सर इस क्वेश्चन को प्लीज एक्सप्लेन करो नेक्स्ट लेक्चर में। तो आज मैं इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर रहा हूँ जो कल का है, डीपीपी का है, सेक्शन बी का फिफ्थ क्वेश्चन है। तो देखो बच्चों, यहाँ पे क्या गिवन है, इफ द लाइन्स, एक लाइन्स गिवन है। लाइंस का जो इक्वेशन गिवन है वो ए एक्स स्क्वायर प्लस टू एच एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल टू जीरो है। डेट मीन्स ये लाइंस का इक्वेशन होमोजीनियस फॉर्म में है और पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस का इक्वेशन है। क्या बच्चों, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है और वो होमोजीनियस फॉर्म में लिखा हुआ है। तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस अगर होमोजीनियस फॉर्म में है तो इसका मतलब है वो जो लाइंस का इक्वेशन है वो हमेशा ही जो पास कर रहा है बच्चों, ओरिजिन से पास करेगा। दो लाइन है तो हम लेट करते हैं। पहला लाइन जो है y माइनस एम वन एक्स इज इक्वल टू जीरो है। सेकेंड लाइन होगा y माइनस एम टू एक्स इज इक्वल टू जीरो। ओके बच्चों, चलो तो यहां से हमने सीखा था ए एक्स स्क्वायर प्लस टू एच एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो है, जो कॉम्बिनेशन है दो लाइंस का, ए लाइन और इस लाइन का। तो यहाँ से m1 प्लस m2 निकालना अपन ने सीखा था कल, क्या होता था बच्चों, माइनस टू एच बाय बी और प्रोडक्ट ऑफ m1 इंटू m2 इज इक्वल टू व्हाट, बी अपॉन a अपॉन बी। ओके चलो, इतनी बातें मुझे मालूम है। और ये पैरेललोग्राम है, क्या है पैरेललोग्राम, तो पैरेललोग्राम डिजाइन करो कुछ ये ऐसा गया होगा, जैसा ये लाइन है वैसा ये लाइन गया होगा कुछ ऐसा, और ये लाइन कुछ ऐसा, तब ये बना होगा पैरेललोग्राम। एक डायगोनल ये होगा और सेकेंड डायगोनल ये होगा, कुछ ऐसा डायग्राम बन जाएगा, है ना, ये ए बी सी डी। ओके चलो, ऑफ पैरेललोग्राम इन द लाइंस, इतना भी वन ऑफ डायगोनल, एक डायगोनल का इक्वेशन दिया हुआ है, इस डायगोनल का इक्वेशन है एल एक्स प्लस एम वाई प्लस वन इज इक्वल टू जीरो गिवन है। चलो तो मुझे सेकेंड डायगोनल का इक्वेशन लिखनी है, यानी डीवी का इक्वेशन लिखना है। ओके तो हम सबसे पहले पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट और पॉइंट सी का कोऑर्डिनेट फाइंड करते हैं, ठीक है ना, और उसको फाइंड करने के बाद ये एज वी नो डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम बायसेक्ट ईच अदर, ये पॉइंट को पी लेट किया, ये दोनों एक दूसरे को क्या करता है, बायसेक्ट करता है। अल्फा कॉमा बीटा जो होगा मिड पॉइंट होगा एसी का, अल्फा कॉमा बीटा जो होगा बच्चों मिड पॉइंट होगा एसी का, अल्फा कॉमा बीटा जो है बच्चों मिड पॉइंट है एसी का। ओके तो ये मिड पॉइंट है, तो हम मिड पॉइंट फाइंड करने के लिए पहले ए और सी का कोऑर्डिनेट मुझे मालूम होनी चाहिए, तो मैं इंटरेस्टेड हूं एक और सी का कोऑर्डिनेट फाइंड करने में। चलो ये लाइन का इक्वेशन मुझे मालूम है, इस लाइन का इक्वेशन मालूम है, दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट ए है, तो दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट फाइंड करते हैं। पहला लाइन का इक्वेशन है वाई माइनस एम टू एक्स इज इक्वल टू जीरो, सेकेंड लाइन है एल एक्स प्लस एम वाई प्लस वन इज इक्वल टू जीरो। यहां से वाई का वैल्यू फाइंड करके इस इक्वेशन में पटक डालो तो आपको एक्स का वैल्यू आ जाएगा बच्चों, वाई इज इक्वल टू व्हाट, एम टू एक्स, यहां पे सब्स्टिट्यूट करता हूं तो एम इंटू एम टू एक्स प्लस वन इज इक्वल टू जीरो। इधर प्लस के फॉर्म में लेफ्ट साइड राइट साइड ट्रांसपोज किया, माइनस के फॉर्म में ये एल प्लस एम इंटू एम टू इज इक्वल टू माइनस वन, एक्स इज इक्वल टू माइनस वन अपॉन एल प्लस एम इंटू एम टू। ओके ओके बच्चों, चलो सिमिलरली x का वैल्यू आ गया तो यहाँ पे सब चीट कर दो तो आपको y का वैल्यू आ जाएगा, m2 x इज इक्वल टू व्हाट, माइनस वन। बच्चों ये माइनस वन है, सॉरी ये माइनस वन है, ये प्लस वन हो जाएगा, यहाँ पे माइनस वन है,
ये माइनस वन है, क्वेश्चन लिखने में मिस्टेक हो गया, ये माइनस वन है, ये माइनस वन है, ओके। चलो ये प्लस एम टू अपॉन एल प्लस एम इंटू एम टू होगा। तो ए का कोऑर्डिनेट क्या क्या आया बच्चों, एक्स कोऑर्डिनेट आया वन अपॉन एल प्लस एम एम टू कॉमा एम टू अपॉन एल प्लस एम टाइम्स एम टू। ए का कोऑर्डिनेट मालूम हो गया। अब मैं सी का कोऑर्डिनेट फाइंड करता हूं। सी का कोऑर्डिनेट इंटरसेक्टिंग पॉइंट है दिस लाइन एंड दिस लाइन, ओके। तो आपने ये नोट कर लिया होगा, मैं सी का कोऑर्डिनेट फाइंड करता हूं, इसे इरेज कर देता हूं, इसे भी इरेज कर लेते हैं। सी का कोऑर्डिनेट फाइंड करते हैं। सी का कोऑर्डिनेट जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है दिस लाइन एंड दिस लाइन, फर्स्ट लाइन है एल एक्स प्लस एम वाई इज इक्वल टू वन एंड सेकेंड लाइन है वाई माइनस एम वन एक्स इज इक्वल टू जीरो। तो यहां से y इज इक्वल टू व्हाट, एम वन एक्स। सब्स्टिट्यूट हियर द वैल्यू ऑफ y, m इंटू एम वन एक्स इज इक्वल टू वन, टेक द कॉमन ऑफ x, वी गेट l प्लस m इंटू एम वन इज इक्वल टू वन, x इज इक्वल टू वन अपॉन l प्लस m टाइम्स एम वन, ओके। अब इस x का वैल्यू यहां सब्स्टिट्यूट किया तो y का वैल्यू मुझे मिला m वन अपॉन एल प्लस एम टाइम्स एम वन। तो सी कोऑर्डिनेट आया बच्चों वन अपॉन एल प्लस एम टाइम्स एम वन कॉमा एम वन अपॉन एल प्लस एम टाइम्स एम वन। इन दोनों का मिड पॉइंट पॉइंट पी है। अब मैं पॉइंट पी का वैल्यू फाइंड करने के लिए इंटरेस्टेड हूं। तो अल्फा इज इक्वल टू व्हाट, एक्स वन प्लस एक्स टू बाई टू, वन अपॉन एक्स वन एल प्लस एम एम वन प्लस वन अपॉन एल प्लस एम एम टू। तो यहां से क्या हो जाएगा बच्चों, बाय टू इज इक्वल टू व्हाट, एल प्लस एम एम टू प्लस एल प्लस एम एम वन अपॉन टू टाइम्स एल प्लस एम एम वन एल प्लस एम एम टू। ये आपका अल्फा का वैल्यू आ गया, ये अल्फा का वैल्यू आया, इस अल्फा का वैल्यू आ गया ये, ठीक है ना, अल्फा का वैल्यू आया ये। चलो रहने दो, अल्फा का वैल्यू ये। अब सिमिलरली बीटा का वैल्यू फाइंड करते हैं। तो अल्फा को थोड़ा और मॉडिफाई करके लिख सकता हूं, एल प्लस एल टू एल टू एल, एम कॉमन लिया बच्चों तो एम वन प्लस एम टू अपॉन टू टाइम्स एल प्लस एम एम वन एल प्लस एम एम टू, ओके। चलो आगे बढ़ते बच्चों, आगे बढ़ते हैं। बीटा का वैल्यू सिमिलरली फाइंड करते हैं। बीटा क्या है, वाई वन प्लस वाई टू वाई टू एम टू अपॉन एल प्लस एम एम टू प्लस एम वन अपॉन एल प्लस एम एम वन बाय टू। तो बीटा इज इक्वल टू व्हाट, एम टू इंटू एल प्लस एम एम वन प्लस एम वन इंटू एल प्लस एम टाइम्स एम टू बाय टू टाइम्स एल प्लस एम एम वन एल प्लस एम एम टू। तो बीटा इज इक्वल टू व्हाट, एम टू एल मल्टीप्लाई कर लेते हैं, एम एम वन एम टू एम वन एल एम एम वन एम टू अपॉन टू टाइम्स एल प्लस एम एम वन एल प्लस एम एम टू। चलो यहां से बीटा इज इक्वल टू व्हाट, एल कॉमन लिया तो क्या है बच्चों, एम टू प्लस एम वन टू टाइम्स एम एम वन एम टू अपॉन टू टाइम्स एल प्लस एम एम वन एल प्लस एम
एम टू, ठीक है ना। चलो ये अल्फा और बीटा का ये कोऑर्डिनेट ओरिजिन है, तो 0,0 है, अल्फा और बीटा का वैल्यू आ गया अपने पास। अब ध्यान दो, मुझे डीवी का इक्वेशन लिखना है, तो डीवी का दो पॉइंट मालूम है, पहला पॉइंट 0,0, सेकेंड पॉइंट अल्फा कॉमा बीटा। अल्फा कॉमा बीटा का वैल्यू भी मुझे मालूम है। थोड़ी सी और कुछ इसमें कुछ हम कर सकते हैं, एम वन प्लस एम टू का वैल्यू मुझे मालूम है, एम वन प्लस एम टू का वैल्यू मुझे मालूम है, किसकी वैल्यू मालूम है, एम वन प्लस एम टू का। तो यहाँ पे पटक दो अल्फा की जगह पे, तो अल्फा इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, टू एल प्लस एम, एम वन प्लस एम टू क्या है बच्चों, एम वन प्लस एम टू माइनस टू एच बाई बी बाय टू टाइम्स एल प्लस एम एम वन एल प्लस एम एम टू। सिमिलरली बीटा इज इक्वल टू व्हाट, एम टू प्लस एम वन का वैल्यू पटक दो, एल इंटू माइनस टू एच बाई बी प्लस टू टाइम्स एम वन एम टू क्या होता है बच्चों, ए बाई बी अपॉन टू टाइम्स एल प्लस एम एम वन एल प्लस एम एम टू। चलो इसे मैं इरेज कर देता हूं, इसकी नीड नहीं है। अल्फा कॉमा बीटा का वैल्यू मैंने यहां लिख दिया है। अब ध्यान दो, ये लाइन है डीबी जो दो पॉइंट से पास कर रहा है, दिस एंड दिस पॉइंट। तो इक्वेशन ऑफ डीबी पासिंग थ्रू 0,0 एंड अल्फा कॉमा बीटा, 0,0 एंड अल्फा कॉमा बीटा, तो क्या होगा बच्चों, इक्वेशन ऑफ डीवी पासिंग थ्रू 0,0 एंड अल्फा कॉमा बीटा, तो क्या होगा, वाई माइनस जीरो इज इक्वल टू बीटा माइनस जीरो अल्फा माइनस जीरो एक्स माइनस जीरो। तो y इज इक्वल टू बीटा y अल्फा टाइम्स x। अब मुझे बीटा y अल्फा मालूम करनी है, तो बीटा y अल्फा क्या होगा, बीटा y अल्फा, बीटा इज इक्वल टू दिस एंड अल्फा इज इक्वल टू दिस, दिस टू दिस कैंसिल, बचेगा क्या बच्चों, बीटा माइनस टू एच एल प्लस टू ए है ना, माइनस टू एच अपॉन यहां क्या होगा बच्चों, टू एल बी माइनस टू एच एम, टू से टू कैंसिल एच एल प्लस ए अपॉन टू एल बी, सॉरी टू से टू कैंसिल एल बी माइनस एच एम। ओके बच्चों यहां तक क्लियर है, हेलो बच्चों यहां तक क्लियर है आपका, क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं, अब यहां सब्स्टिट्यूट कर दो, यहाँ पे कुछ छूट गया है बच्चों, ए एम होनी चाहिए यहाँ पे एम छूट गया है, एम एम है ना। चलो यहाँ पे पटक दो, वाई इज इक्वल टू बीटा क्या है, बीटा वाई अल्फा एच एल प्लस ए एम अपॉन एल बी माइनस एच एम इंटू एक्स, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया, वाई टाइम्स एल बी माइनस एच एम इज इक्वल टू एच एल प्लस ए एम इंटू एक्स, दिस इज द इक्वेशन ऑफ डी वी।
माइनस एच एल है ना, माइनस एच एल है, माइनस एच एल है, माइनस एच एल, तो क्या लिखोगे ए एम माइनस एच एल, दिस इज द इक्वेशन ऑफ डीवी, अंडरस्टूड राइट। चलो नोट हो गया हो बच्चों, तेजी से नोट करो। हाँ अगर इतना हो गया तो मैं आगे बढ़ता हूं। यहां तक मैंने कल कवर कर लिया था, ये डीपीपी का लास्ट क्वेश्चन था जिसे मैंने आज एक्सप्लेन किया, जो डाउट था आपका। अब मैं आगे बढ़ता हूं। आज मैं इंटरेस्टेड हूं फाइंड करने के लिए एंगल बिटवीन द पेयर ऑफ लाइंस, एंगल बिटवीन, एंगल बिटवीन द पेयर्स ऑफ लाइन, द पेयर्स ऑफ लाइंस ए एक्स स्क्वायर प्लस टू एच एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। ये लाइन से बच्चों, चलो ये होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ लाइन्स है, पेयर ऑफ होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ लाइन्स है, डेट मीन्स ये लाइन हमेशा ही, ये दो लाइन का कंबाइन है, दोनों लाइन हमेशा ही ओरिजिन से पास करते हुए दिख रहा होगा। इस लाइन को हम, ये ओरिजिन है, इस लाइन को अपन लेट करते हैं वाई माइनस एम वन एक्स इज इक्वल टू जीरो, इस ये लाइन है वाई माइनस एम टू एक्स इज इक्वल टू जीरो। यहां से अपन को मिलता है एम वन प्लस एम टू इज इक्वल टू माइनस टू एच बाई बी, एम वन इंटू एम टू इज इक्वल टू ए बाई बी। तो मैं इंटरेस्टेड हूं इसके बीच का एंगल फाइंड करने में, तो इसके बीच का एंगल फाइंड करना है तो बच्चों क्या होता है, टेन थीटा, मैंने स्ट्रेट लाइन में बता रखा है, इज इक्वल टू व्हाट, एम वन माइनस एम टू अपॉन वन प्लस एम वन एम टू। ओके चलो यहां से एम वन माइनस एम टू फाइंड कर ले और यहां पटक डालो, एम वन माइनस एम टू इज इक्वल टू व्हाट, ओवर रूट एम वन प्लस एम टू होल स्क्वायर माइनस फोर टाइम्स एम वन एम टू इज इक्वल टू वाट, एम वन प्लस एम टू माइनस टू एच बाई बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू वाट, फोर एच स्क्वायर बाय बी स्क्वायर माइनस फोर टाइम्स एम वन एम टू ए बाय बी। एलसीएम लिया तो बच्चों बी स्क्वायर आया, फोर एच स्क्वायर माइनस फोर ए एच फोर ए बी, ओवर रूट इज इक्वल टू वाट, यहां से फोर को कॉमन लिया, टू टाइम्स ओवर रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन बी। पटक डाला यहाँ पे एम वन माइनस एम टू के प्लेस पे, तो क्या है बच्चों, टू टाइम्स ओवर रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन बी अपॉन मॉड वन प्लस एम वन एम टू ए बाय बी इज इक्वल टू व्हाट, इज इक्वल टू व्हाट, टू टाइम्स ओवर रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी, ठीक है ना। टेन थीटा इज इक्वल टू ए, तो थीटा इज इक्वल टू व्हाट, थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स टू रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी। चलिए साहब राइट डाउन, यहां तक आई हैव यू अंडरस्टूड। चलो नोट हो गया होगा बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं। इतना जब हमने देख लिया तो अगर ये लाइन M1 और M2 एक दूसरे पे परपेंडिकुलर हो, क्या हो, परपेंडिकुलर हो, केस वन, दो टाइप केस बनेंगे ना, एक परपेंडिकुलर का लेते हैं और एक पैरेलल का लेते हैं। केस वन, इफ लाइंस आर पैरेलल, इफ लाइंस आर पैरेलल, अगर लाइंस पैरेलल है तो जो एंगल बनेगा पैरेलल और कोइंसिडेंट, कोइंसिडेंट तो जो एंगल बनेगा बच्चों जीरो डिग्री का बनेगा। तो टेन जीरो इज इक्वल टू व्हाट, तो थीटा इज इक्वल टू व्हाट, जीरो डिग्री।
तो टेन जीरो डिग्री इक्वल टू व्हाट, टू रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी। टेन जीरो इक्वल टू जीरो, डेट मीन्स ये वाला पोर्शन जीरो हो जाएगा, न्यूमरेटर वाला पोर्शन जीरो हो जाएगा, तो एच स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, ए बी। दिस इज द कंडीशन इफ लाइन्स आर पैरेलल टू इच अदर, और इफ लाइन्स आर परपेंडिकुलर टू इच अदर, केस टू, इफ लाइन्स आर परपेंडिकुलर टू इच अदर, अगर लाइन परपेंडिकुलर है तो टेन नाइनटी इज इक्वल टू अनडिफाइंड होता है, टू रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी। टेन नाइनटी इज इक्वल टू वाट, अनडिफाइंड। इफ लाइन्स आर परपेंडिकुलर देन थीटा इज इक्वल टू वाट, जीरो डिग्री, थीटा इज इक्वल सॉरी 90 डिग्री, और टेन नाइनटी इज इक्वल टू अनडिफाइंड, अनडिफाइंड होने का मतलब डिनोमिनेटर जीरो, हेंस ए प्लस बी इज इक्वल टू जीरो डिग्री। अंडरस्टूड? अगर लाइन्स पैरेलल या कोइंसिडेंट है तो एच स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी होगा, इफ लाइन्स आर परपेंडिकुलर टू इच अदर देन कोफिशिएंट ऑफ ए स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। राइट, थैंक यू।